मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फंडा फाइव। आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे लेटर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में 5 नंबर का आता है, और ये लेटर 9 से 12 क्लास के सभी बच्चे इसको देख करके सीख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मेट कि कैसे हम लेटर को लिखें, क्या क्या पॉइंट्स को हम ध्यान रखें, और जॉब लेटर के लिए जो रेज्यूमे लिखना होता है उसको हम कैसे लिखें। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो। तो बेटा, लेटर जो है दो तरह के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है मार्किंग स्कीम में, और 1 नंबर फॉर्मेट का है, 2 मार्क्स कंटेंट के हैं और 2 मार्क्स एक्सप्रेशन के हैं, यानी कि आपने ठीक से लिखा है और कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मल लेटर आज हम करेंगे। फॉर्मल लेटर दो तरीके के हैं 12th क्लास के कोर्स में। नंबर 1 जॉब एप्लीकेशन, नंबर 2 लेटर टू एडिटर। तो प्यारे बच्चों, क्या क्या बातें हमें याद रखनी चाहिए जॉब एप्लीकेशन या कोई भी लेटर लिखने के लिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले, जब भी हम इस क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो नए पेज से स्टार्ट करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, आपकी जो शीट होती है वो इस तरह की होती है, ठीक है, ऐसे आपका शीट होता है। तो यहाँ से आप लेटर तैयार कीजिए, शुरू कीजिए, ताकि यहाँ तक आपका पूरा खत्म हो जाए और एक ही नजर में पूरा लेटर आपका नजर आ जाए। सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज, मतलब कि अगर आपके क्वेश्चन में करते करते नीचे जगह बच गई है, तो मान लीजिए ये शीट है, आप पेपर कर रहे हो, इतना बच गया, तो इसको यूज नहीं करना। कैसे शुरू करना है? नए पेज से स्टार्ट करना है। उसके बाद हमें लेटर में क्या सीक्वेंस चाहिए, तो सबसे पहले बच्चों हम एक लाइन डाल लेते हैं, यहाँ पर भी हम एक हाशिया डाल लेते हैं, ताकि पूरा जो लेटर है लेफ्ट अलाइंड रहे, जिग जैग ना चले। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस हमें आपके पेपर में दिया होता है, यू आर अनीता, अनिल एंड आपका एड्रेस आपको दिया है, तो वहां से आपको कॉपी पेस्ट, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस आपका दिया होता है क्वेश्चन में, अभी हम इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। उसके बाद लिखना है डेट, आज की डेट, जैसे मैंने लिख दी है 25th January 2021। सबसे पहले लिखेंगे बेटा सेंडर्स एड्रेस, और उसके बाद हम एक लीव लाइन, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आज की डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट यही होना चाहिए, और इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, यानी कि किसको आप लेटर भेज रहे हो। जॉब एप्लीकेशन की बात करें, किसको आप एप्लीकेशन भेज रहे हो। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, डैश आपको क्वेश्चन पेपर से देख करके भर देना है। यहाँ पे आज हम रिसेप्शनिस्ट की एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। इसके बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन लिखते समय हमेशा आप सर लिखिए, क्योंकि आपको नहीं पता आगे मैडम है या सर है, तो हम मैडम को भी सर बोल सकते हैं, तो ऑन पेपर आप सर लिखिए, इसके बाद आप कॉमा लगाइए, देन अगेन लीव अ लाइन, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, और हम लिखेंगे बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर यानी कि पैरा लिखने के लिए पूरा जो कंटेंट है 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। पहला पैरा इंट्रोडक्टरी होना चाहिए, दूसरे पैरे में आप मेन आइडिया बोलोगे, और तीसरे पैरे में आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर दोगे उसको। ओके बेटा, अभी एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। लास्ट में लिखते हैं योर्स ट्रूली, ठीक है, योर्स ट्रूली, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करने के बाद ये लिखते हो, तो हम योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप अपना नाम लिखोगे, नाम क्या है आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसके बाद हम करेंगे अपने सिग्नेचर। चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ कि इसको कैसे करें। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है, और कई बार बच्चों यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट भी दिया होता है, लिखा होता है पोस्ट के लिए, और फिर आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है, तो ये आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है, आपको सीधा एप्लीकेशन ही लिखनी है, समझ आ रहा है। तो बेटा आप देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर सुधा और सुधीर, रेसिडेंट ऑफ A7 शक्ति पार्क। तो आपको बेटा नाम भी मिल गया और आपको एड्रेस भी मिल गया, और सीधा कैसे पहचाने की जॉब एप्लीकेशन है या लेटर टू एडिटर है, लास्ट की लाइन में लिखा होता है राइट अ जॉब एप्लीकेशन या राइट अ लेटर टू एडिटर,
तो जब आप रीड करते हो 15 मिनट का टाइम आपको रीडिंग के लिए मिलता है तो आपको पेंसिल से ये सब अंडरलाइन करना है, ठीक है। जब आप पेपर अटेंड करोगे, दोबारा से क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, चेक करोगे, देन यू हैव टू राइट। ओके, तो हमने यहाँ पे बेटा लिख दिया सबसे पहले सेंटेंस एड्रेस में क्या आएगा, A7 जो भी आपका एड्रेस है, फिर आप डेट लिखोगे, फिर रिसीवर एड्रेस। अब आप रिसेप्शनिस्ट को लिख रहे हो, तो यानी कि रिसेप्शनिस्ट किसी कंपनी में हो सकता है, किसी होटल में हो सकता है, तो हम सीधा लिख सकते हैं द मैनेजर। मैनेजर सब कंपनी में भी होते हैं, होटल में भी होते हैं, फर्म में भी होते हैं, मैनेजर। और उसके बाद आप नाम लिखोगे जिसका भी है, अगर आप होटल में लिख लो तो ABC होटल या कोई भी एक आप होटल का नाम याद कर लीजिए। अब वो होटल कहाँ पे है, जब हम रिसीवर एड्रेस लिखते हैं तो चार लाइन में आता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे द मैनेजर, यहाँ पे हम लिखेंगे होटल का नाम। अब ये होटल कहाँ पे है, दिल्ली है, बॉम्बे है, कहाँ है, तो हम लिखेंगे जगह का नाम, लिखेंगे बॉम्बे, दिल्ली, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आपका है, फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, क्योंकि ये रिसेप्शनिस्ट के लिए है। फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखना है, सर। याद रहे बेटा, लेटर शुरू करने से पहले आपको एक लाइन डालनी है, एक हाशिया डालना है और सब इससे मिला के करना है। बॉडी देखिए कैसे लिखते हैं, सेट लैंग्वेज है, आपको पेपर में पूरे नंबर लाने के लिए कुछ लाइनें लर्न कर देनी है। अगर वहां बना के लिखोगे, आपको आता है, अपने आप से लिखोगे, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी और मार्क्स कट जाएंगे। तो बेटर ये रहता है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आप एक लैंग्वेज लर्न कर लें और बार बार उसी को लिखें। जब भी जो एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करें उसी लैंग्वेज का यूज करें, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज मैंने यहाँ पे दी है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स में एक एडवर्टीजमेंट आया था 18 जनवरी को फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। तो ये जो लाइनें हैं यहाँ तक आपको पूरा पैरा लर्न कर लेना है, रट लेना है। मतलब ये कि आपको आज 3 बार लिखो, हफ्ते में फिर लिखो ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो कैसे लिखेंगे, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 18 जनवरी फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। अब आप क्या कर रहे हो कि मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेटचर फॉर द सेम, ठीक है। पहला पहला खत्म हो गया कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली और आप क्या चाहते हो। अब आप अपना पर्सनल बताओगे कि 2 लाइन में, 1 लाइन में, आई पोजेसेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जितनी क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, वो मेरे पास है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर होटल टू फुल्ली यूटिलाइज माई पोटेंशियल, मैं आपके होटल को ज्वाइन करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने पोटेंशियल को, अपनी जो काम जो मुझे आता है उसको अच्छे से यूज कर पाऊँ, ताकि मैं अपने पोटेंशियल को पूरे तरीके से यूज कर पाऊँ। ओके, अब आता है थर्ड पैरा, इसमें आप कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन बेटा याद रहे वर्ड लिमिट है 120 to 150 वर्ड, ठीक है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ हमें लिमिटेड 3 पैरा बनाने हैं, लिमिटेड लिखना है, ठीक है, क्योंकि 5 ही नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लिखेंगे लास्ट पैरा। अब क्या है, आई शेल बी एबल टू ज्वाइन, बताओगे कि आप कैसे अटेंड कर सकते हो। आई शेल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज एट द अर्लीस्ट इफ अपॉइंटेड, अगर मुझे अपॉइंट किया जाता है, जॉब मिलती है, तो मैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकती हूँ, ठीक है। आई एम इनक्लोजिंग माय डिटेल रिज्यूमे फॉर योर पर्यूजर, आपकी कंसिडरेशन के लिए मैं यहाँ पर अपना रिज्यूमे अटैच कर रही हूँ, ठीक है। लास्ट में लिखेंगे थैंक यू योर्स ट्रूली, और आप अपना नाम लिखेंगे और फिर उसके ऊपर कर देंगे सिग्नेचर। नाम आपका क्या है यहाँ पर, सुधा या सुधीर। और यहाँ पर बेटा एनक्लोजर्स भी आप लिख दोगे, एनक्लोजर्स आपने, यानी कि एनक्लोजर्स क्या होते हैं, जो आपने इसके साथ एप्लीकेशन के साथ पेपर्स लगाए, ठीक है, जैसे आपने रिज्यूमे लगाया, फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट लगाई या कोई फोटो लगाई आपने, तो वो आप एनक्लोजर्स में लिख दोगे, जो भी जितना भी है यहाँ पे आप लिखोगे। पहले आप लगा रहे हो रिज्यूमे, फिर फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट्स या रेलिवेंट पेपर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद, ये हमारी एप्लीकेशन पूरी हो गई।
गई, इसके बाद हमें लगाना होता है रेज्यूमे बायोडाटा क्या है आपका, ठीक है। तो ये क्या है नेम, सबसे पहले 12 पॉइंट हमें इसमें लिखने होते हैं बच्चों। तो 12 पॉइंट सबसे पहले हम एक बारी में 1 2 3 करके 12 लिखते हैं, एक लाइन छोड़ करके। नेम, फादर्स नेम, एज, एड्रेस, हॉबीज, लैंग्वेज, नॉन नेशनैलिटी, एजुकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सैलरी, रेफरेंसेस एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, 12 में आप 10 भी लिख सकते हो, 12 में आप 15 भी लिख सकते हो। याद रहे कि जो थोड़े से वर्ड्स हैं इनके स्पेलिंग बिल्कुल सही होने चाहिए, तो बार बार इसकी प्रैक्टिस करो। अब जब आपने एक बार सारे पॉइंट्स लिख लिए तो इनको फिलअप करना है। नाम यहाँ पे दिया हुआ है, फादर्स नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, एज अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो नेचुरली कि आपकी एज 22 से 25, 26 तो होनी ही चाहिए, तो आपने यहाँ पे एज लिख दिया है। एड्रेस जो कि ये भी क्वेश्चन में दिया है कॉपी करना है। हॉबीज आप कोई भी दो लर्न कीजिए वही लिखिए। लैंग्वेज नॉन हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, जो आपको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपकी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बच्चों एक टेबल बना दोगे और टेबल फॉर्म में ज्यादा अच्छा लगता है, क्लियर रहता है। क्लास, बोर्ड और यूनिवर्सिटी एंड मार्क्स। तो बीए कब किया, कहाँ से किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी। 12th कहाँ से कर रहे हो आप, CBSE। 10th भी कहाँ से कर रहे हो आप, CBSE। मार्क्स आप कुछ भी बनो, ठीक है, जितने आपके मार्क्स आए हैं वो लिख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमें एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कितना है, 2 साल का है, 1 साल का है, या कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप फ्रेशर है, जो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। एक्सपेक्टेड सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी आप अमाउंट लिख सकते हो, 20,000, 40,000, या फिर एक वर्ड लिख सकते हो नेगोशिएट, या कोई भी अमाउंट लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कम लिखी ज्यादा लिखी, बस ये है कि आपको पता है एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, ओके। फिर इसके बाद लिखना है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस लिखते समय बच्चे हमें 2 एड्रेस देने होते हैं, मतलब जब कोई कंपनी आपको रखेगी, कोई स्कूल आपको रखेगा, तो उसको एक तरह से गवाही चाहिए कि दो वेल नोन पर्सन ऑफ योर सोसाइटी, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो इसको लिखने का तरीका होता है, पहले हम नाम लिखते हैं और फिर उनका डेजिग्नेशन लिखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा मिसेस निर्जा खत्री, ठीक है, तो ये कौन है, प्रिंसिपल, कहाँ के प्रिंसिपल है, जो भी आपका स्कूल का नाम है वहां पर आप लिखो। तो रेफरेंसेस लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे सिग्नेचर। सिग्नेचर लिखने के लिए बच्चे, तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे और आप सिग्नेचर। तो बच्चों आई थिंक जॉब एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको आ गया होगा। तो बेटा बार बार इसको लिख करके प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, ताकि इस क्वेश्चन में आपको पूरे 5 से 5 नंबर आए। और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी इसका फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को